टोन अपना है, ठीक है? अरे पीछे बंदा एक ही है, ले लो ले लो लो, इजी। बढ़िया, स्मोक स्मोक करके ट्राई कर लो। स्मोक नहीं है, स्मोक नहीं है, स्मोक नहीं है, इधर ही रहा, इधर आए, इधर आ, इधर आ, हाँ बस यहाँ। मैंने भी किया स्मोक। अरे वेस्ट टू कर, चल ठीक, कोई नहीं, गाड़ी में तो प्रॉपर कवर बना हुआ है। हाँ बस यार, एक Zero? बस एक नॉक करके रह। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आज आप लोग से शेयर करने वाली हूँ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, क्योंकि मेरे को स्ट्रीम पे भी और वीडियोस में भी बहुत लोग कमेंट करके पूछते रहते हैं कि प्लीज़ अपने मतलब स्प्रे के लिए टिप्स दो, सेंसिटिविटी शेयर करो, ये वो। तो मैंने भी नोटिस किया है कि कुछ टाइम से मेरा स्प्रे काफ़ी इम्प्रूव हो गया है, तो आई थॉट कि मैं आप लोग से बस अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं कि मैंने क्या क्या चीज़ें चेंजेस की अपने मतलब ड्रिल सेशन में और सब कुछ, जिससे कि मेरा थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट मुझे दिखाई दे रहा है अभी स्प्रेज में। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, मैं ट्राई करूँगी कि सारे मतलब पॉइंट्स कवर करने का वन बाय वन, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए, और इनकेस अगर कुछ मिस होता है तो रियली सॉरी इन एडवांस। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं नॉन जायरो यूज़र से। सो लेज़र स्प्रे अगर आप लोग को एकदम चाहिए तो आई विल सजेस्ट कि आप जायरोस को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो आपको, क्योंकि काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखेगा अपने ओवरऑल गेम प्ले में। सो अगर आप लोग को जायरोस्कोप थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो मैं आप लोग को ये एडवाइस कर सकती हूँ कि आप स्टार्टिंग में आपकी जो कैमरा सेंसिटिविटी है, कैमरा सेंसिटिविटी और रेडियस सेंसिटिविटी आप सेम रखो जो आप अभी यूज़ करते हो, और सिर्फ आप जायरो ऑलवेज ऑन करो, और जायरो सेंजी आप जो मैं शेयर करूँगी वीडियो में वो आप कॉपी कर सकते हो। तो उससे आपको सिर्फ जब आप स्कोप इन करोगे, जैसे आपने अपना स्कोप खोला, तो सिर्फ तब जायरोस्कोप अप्लाई होगा, उसके अलावा आपका जायरोस्कोप ऑफ रहेगा। जैसे अगर कुछ लोग को अभी भी नहीं पता ये चीज़, देखो अभी मैंने स्कोप इन नहीं किया हुआ है, ADS पे जायरोस्कोप नहीं है, लाइक आई एम टिल्टिंग माई फ़ोन बट जायरोस्कोप नहीं है ऑन। और जैसे ही मैंने स्कोपिंग किया तो फ़ोन के साथ देखो मूव हो रहा है ना इन। तो स्टार्टिंग में आप लोग स्कोपन पे प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आप लोग को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है जायरोस्कोप, और उसके बाद आपको इम्प्रूवमेंट अगर दिखता है तो आप, मैं बाकी जो चीज़ें शेयर करूँगी वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो जायरो यूज़र्स के लिए मैं अब जो एक्चुअल में टिप्स देना चाहती हूँ वो जायरो यूज़र्स के लिए, बिकॉज मैं खुद जायरो यूज़र हूँ। सो स्टार्टिंग में अगर आप लोग जायरोस्कोप ऑलरेडी यूज़ करते हो, तो आई विल सजेस्ट कि आप अपना जो सेंसिटिविटी है उसमें जो ADS सेंसिटिविटी है, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन के अलावा बाकी स्कोप्स आप स्प्रे के लिए यूज़ करते हो उनको 1% कर दो। फॉर एग्जांपल रेड डॉट, 2x तो इतना यूज़ नहीं होते बट हाँ फिर भी किया हुआ है मैंने, 3x एंड 4x। जैसा कि हम सबसे ज़्यादा स्प्रे के लिए सब 6x प्रेफर करते हैं, तो 6x को हम हमेशा 3x में कन्वर्ट करके फिर यूज़ करते हैं, तो 3x की सेंसी अप्लाई होती है। तो मेरा 1% है ADS उसका, तो रेड डॉट 2x 3x एंड 4x का 1% है, बाकी 6x एंड 8x मैं मोस्टली DMR या स्नाइपिंग के लिए यूज़ करती हूँ, तो उस पर मैंने 1% ADS नहीं किया है, क्योंकि उस पर थोड़ा ज़रूरत पड़ता है ADS सेंसी का। बाकी स्प्रेज में अगर आपको लगता है आपका स्प्रे थोड़ा सा भी अनस्टेबल है, या आप ट्राई करते हो जायरो से पूरा कंट्रोल करने का बट फिर भी अनस्टेबल रहता है, तो आप ADS 1% पे करके ट्राई करो कुछ दिन, और सिर्फ जायरो से अपने स्प्रे को कंट्रोल करो। मेरे को उसी से अपना इम्प्रूवमेंट दिखा था काफ़ी ज़्यादा, तो यू कैन ट्राई। और इसके बाद नेक्स्ट थिंग आई विल सजेस्ट कि आप लोग एम असिस्ट ऑफ रखो, और उसके बाद कुछ दिन प्रैक्टिस करो, चाहे वो TDM में आपको सही लगता है तो TDM में करो, या अगर आप लोग को अपने स्टैट से इतना फ़र्क नहीं पड़ता है तो आप क्लासिक में भी एम असिस्ट ऑफ करके खेल सकते हैं। ट्रस्ट मी गाइस, थोड़े दिन में आपको इतना इम्प्रूवमेंट दिखेगा ना, क्योंकि आपके स्प्रेज
और जो आपका पूरा मतलब ओवरऑल एम, चाहे मिड रेंज हो चाहे लॉन्ग रेंज हो चाहे क्लोज रेंज हो, आपको अपने एम में बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी दिखेगी, पहले से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। और प्रैक्टिस करने के लिए ये सब आप अपना एक पर्सनल ड्रिल सेशन बनाओ खुद के लिए डेली, जो आप एक फिक्स टाइम कर लो कि इतना टाइम आप ट्रेनिंग ग्राउंड में प्रैक्टिस करोगे ही करोगे, एंड डिसाइड करो कि आपको क्या प्रैक्टिस करना है। आपको अपने स्प्रेज इम्प्रूव करने हैं, आपको अपना क्लोज रेंज इम्प्रूव करना है या लॉन्ग रेंज इम्प्रूव करना है, अगर आप ये डिसाइड कर लोगे तो आप उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कर सकते हो डेली। सो गाइज व्हाट आई एम सेइंग इज कि आप डेली ट्रेनिंग ग्राउंड में आओ प्रैक्टिस करने, और ट्रेनिंग ग्राउंड में अटैचमेंट्स आप मत लगाओ। और आई विल से कि पहले आप रेड डॉट से भी स्प्रेज प्रैक्टिस करो, बहुत लोग हमेशा इवन लाइक इतना सा डिस्टेंस है ना उस पर भी स्कोप प्रेफर करते हैं, दैट्स रियली नॉट गुड। आई वुड सजेस्ट यू गाइज कि आप अपने रेड डॉट स्प्रेज को इम्प्रूव करो। सो प्रैक्टिस करो, अपने रेड डॉट स्प्रेज को काफ़ी एक्यूरेट बनाओ, उसका रिकॉइल अपना इम्प्रूव करो। सो आप ऐसे रेड डॉट से स्टार्ट करके सारे स्कोप स्टार्ट करो, आपको जो भी स्कोप पसंद है, लाइक 6-6 है तो 6-6 से भी प्रैक्टिस करो। और रही बात ग्रिप्स की, तो गाइज आई वुड सजेस्ट कि M4 पे बेस्ट ग्रिप है हाफ ग्रिप, और स्कारल पे एंगल्ड बेस्ट लगता है मेरे को। सो गाइज रही बात ड्रिल्स की, तो ये जो आपको बोर्ड्स दिख रहे हैं इन सबको आपको एक स्प्रे में गिराना है। ये प्रैक्टिस डेली का है, और ये बंदा हमसे गिराना बंद करे तो मैं अपना करूँ। सो गाइज अगर आपको भी कोई बंदा आके डिस्टर्ब करता है तो देखो कुछ नहीं हो सकता, बट ऐसा ही है सीन। एक ही एम लॉक प्रैक्टिस करने से आपका स्प्रे ट्रांसफर इम्प्रूव होगा। सो मैं जस्ट आपको रफली बता देती हूँ, बिकॉज ये बंदा मेरे को तमीज़ से थोड़ा बताने नहीं दे रहा है। ये सारे बोर्ड्स को एक स्प्रे में गिराने का ट्राई करना है, लाइक रीलोड आने से पहले, ठीक है। कुछ देर आप ये करो, और उसके बाद इधर आकर ये जो सारे बोर्ड्स हैं इन पर एम लॉक प्रैक्टिस करो। अभी इलगाटों की वजह से मैं ज़्यादा टिल्ट नहीं कर पा रही हूँ फ़ोन को, तो मैंने जस्ट 3-4 उस पर किया। भाई वायर अटक रही है। और स्प्रे के लिए किधर आके ऐसे ही कुछ ड्रिल्स है जिससे क्या आपका जो कंट्रोल सेटअप है उस पर आपका स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ती है। तो मैं ऐसे ही कुछ ड्रिल्स हैं जो करती हूँ ट्रेनिंग ग्राउंड में। और एक ये ट्रेसिंग का, ये लाइक काफ़ी हेल्प करता है। जो ये है, जो ये और ये, इसको आपको ट्रेस करना है। राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट दोनों करना। रेड डॉट से भी और जो भी आपको स्कोप से करना है। ये क्या होता है, अगर आप ये ट्रेसिंग ड्रिल डेली प्रैक्टिस करोगे ना, अगर कोई गेम में आपके सामने से गाड़ी में बंदे जाते हैं, आप श्योरली एकदम बंदों उन बंदों को गिरा दोगे, एटलीस्ट एक दो को, या हो सकता है पूरा स्क्वाड भी। तो ये बहुत हेल्प करता है ट्रेसिंग ड्रिल। एंड गाइस ये जो मैंने आपको ये ड्रिल बताया एक स्प्रे में ये सब गिराने वाला, ये आप स्प्रे के लिए कर सकते हो प्रैक्टिस, और उसी के साथ आप हिप फायर के लिए भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। बस हिप फायर के लिए करना क्या है, आपको इतना क्लोज आना है
और लाइक बिना ADS खोले हिप लाइक ये जो क्रॉसर है इससे आपको ये सारे बोल्ट गिराने का ट्राई करना है ऐसा ये आपको डेली करना है कुछ देर लाइक पहले सिर्फ अपने एम पे वर्क करो अगर आपका लाइक हिप फायर आपको बहुत ज़्यादा वीक लगता है तो पहले सिर्फ या लाइक स्टेबल खड़े होके सिर्फ एम करो और फिर विद टाइम आप मूवमेंट करते हुए कर सकते हो एक ये मूवमेंट यहाँ आप प्रैक्टिस कर सकते हो जो ये आपको वाइट डॉट दिख रहा है क्रॉसर का इसको आपको स्टेबल रखना है और ऐसा जिगल करना है ये जो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ऐसा आपको प्रैक्टिस करना है अगर ये थोड़ा लगता है तो इधर भी कर सकते हो ऐसा इसको प्रैक्टिस करो इससे आपका क्लोज रेंज मूवमेंट पे मतलब उस पर इम्प्रूवमेंट होगा इसको आप प्रैक्टिस करो अपना मस्त क्योंकि आप इसको डेली प्रैक्टिस करोगे ना तो उससे आपका मूवमेंट थोड़ा क्लीन रहेगा क्लीन होगा मतलब क्लीन होगा विद टाइम और धीरे धीरे स्पीड भी बढ़ेगी उसके बाद आप जब हिप फायर प्रैक्टिस करोगे तब आपका ये मूवमेंट आपको हेल्प करेगा ऐसा सो आई होप आप लोग को समझ आया हो कि मैं एक्चुअल में किस लिए बोल रही थी और फिर बाद में आप इसको मूवमेंट के साथ प्रैक्टिस करो सो गाइज मेरे हिसाब से तो मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए अगर फिर भी कुछ मिस आउट हुआ है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना ताकि मैं आपको हेल्प कर सकूं कोई भी डाउट हो किसी भी चीज़ जिस पे आप लोग चाहते हैं कि मैं वीडियो बना के आपको हेल्प करूं तो आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू गाइज सो जस्ट शेयर योर ओपिनियंस इन द कॉमेंट सेक्शन और रही बात मेरी सेंसिटिविटी सेटिंग्स की तो अब मैं वो फाइनली आपको दिखा देती हूँ सो गाइज दिस इज़ कैमरा सेंसिटिविटी फ्री लुक This is my camera sensitivity. सारे scopes के लिए जो है And this is my ADS sensitivity जो कि scopes के लिए मैंने 1% रखी है जो spray के लिए scopes हैं और बाकी 6x और 8x जो DMR और या sniping के लिए use होते हैं उनकी 12% रखी हुई है मैंने और ये है मेरी gyroscope की settings. सो गाइज ये 3x 4x के लिए तो यही सेंसी रहती है 6x है और 8x मैं मोस्टली DMR या स्नाइपिंग के लिए यूज़ करती हूँ सो अगर मैं DMR के लिए यूज़ कर रही हूँ तो दोनों स्कोप्स की मैं अराउंड 80 टू 90 सेंसिटिविटी रखती हूँ और अगर स्नाइपिंग के लिए है तो इट डिफर्स 50 टू 57 के बीच में कहीं रहती है सो ये है मेरी जायरोस्कोप की सेटिंग्स और उसके अलावा अगर ये सेटिंग्स भी एम असिस्ट मेरा ऑफ है लीन मोड मिक्स पे है स्कोप मोड होल्ड पे है पीक एंड ओपन स्कोप इनेबल्ड पीक एंड फायर इनेबल्ड जायरोस्कोप इज ऑलवेज ऑन सो आई थिंक दैट्स इट सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग आई होप आप लोग को थोड़ा बहुत हेल्प कर रही है वीडियो क्योंकि मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया एक्सप्लेन करने का बाकी आप लोग को और भी कुछ जानना हो तो जस्ट कॉमेंट डाउन बिलो एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज बाय टेक केयर सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो भाई बंदा बाय बाय भी नहीं करने दे रहा है बाय गाइज भाई गाड़ी पे चढ़ा दिया भाई तेरे को नहीं किया मैंने बाय हट या आई हियर फॉर द मनी आई हियर फॉर द फेम सो इट माइट बी